सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद फैजाबाद में भी रिलीजिंग के एक दिन पूर्व संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती का विरोध जारी रहा। फैजाबाद शहर में सैकड़ों लोगों के साथ रानी पद्मावती संघर्ष समिति ने शहर में विरोध मार्च निकालकर फिल्म पद्मावत की रिलीजिंग न करने की चेतावनी दी। संघर्ष समिति ने फैजाबाद के एकमात्र सिनेमा हॉल में फिल्म पद्मावत को न लगाने की चेतावनी दी और कहा कि फिल्म को किसी भी हाल में रिलीज नहीं होने दी जाएगी। वहीं पर दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन ने भी स्वच्छता को लेकर कमर कस ली है। SP ग्रामीण संजय कुमार ने कहा कि अगर फैजाबाद में फिल्म लगती है तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन सख्ती से कराया जाएगा। अगर संघर्ष समिति के लोग विरोध पर उतरे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रानी पद्मावती भारतीय परिदृश्य की एक आदर्श महिला मानी गई है और इनको हम हर दृष्टि से अपना पूज्य आराध्य मानते हैं। हर हिंदू इस बात को मानता है और उन्होंने उस सम्मान को देश की अखंडता की रक्षा के लिए सरेंडर न करके बल्कि 16,000 लोगों के साथ जौहर जैसा कृत्य किया था। हमें इस बात का गर्व है और उस महारानी जो हमारी नियामक हैं, एक तरह से हम उनको अत्यंत पूजनीय मानते हैं। उनके चरित्र को लेकर के जो फिल्मांकन किया गया, संपूर्ण फिल्म का हम विरोध करते हैं। वैसे ही जैसे हम अपनी माँ का अपमान नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, ये पूरे देश की माँ का अपमान का प्रश्न है। इसका हर स्तर पर, हर कीमत पर हम विरोध करेंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी से ये आवाज़ उठी है और निसंदेह ये दूर तक जाएगी और उस कल्पना को जिसको पैसा कमाने के उद्देश्य से सृजित किया गया है इस फिल्म के फिल्मांकन के साथ, उसका हम विरोध करते रहेंगे। आज जो आपने विरोध किया है, किस तरह का प्रश्न किया आपने? हमारा बहुत ही शांतपूर्ण, केवल ध्यानाकर्षण के निमित्त ये कार्यक्रम रहा है। हमने आम जनमानस को भी अपनी भावनाओं से अवगत कराया, उन्हें सचेत किया कि हम क्या हमारे साथ होने जा रहा है। साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार और देश की सरकार, उनके रहनुमाओं को भी हमने अपना सादर संदेश भेजा है कि महोदय कृपा कर इस स्थिति से आप रोक लगावें और हमें मजबूर न करें कि हमको कुछ ऐसा करना पड़े जो शायद मानवता के लिए उचित नहीं माना गया है। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हम इंतजार करेंगे। हाँ, निसंदेह अपनी जानकारी में कहीं भी फिल्म का प्रदर्शन हम जो है नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पर। तो हमारी ये मांग है कि अगर संवैधानिक संदर्भ है इसका, तो जनभावना से ऊपर कोई संविधान नहीं है। उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप इस पर माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी या माननीय उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधीश महोदय इस पर पुनर्विचार करें। ये करोड़ों करोड़ हिंदू आस्था के लोगों का सवाल है, किसी जाति का, किसी धर्म का, किसी मजहब का सवाल ये नहीं है, भारतीय अस्मिता का सवाल है। फैजाबाद जनपद में एक तो कोई मॉल नहीं है, छोटे मोटे सिनेमा हॉल बताए जाते हैं, तो वो अगर रिलीज होकर लगती भी है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसका सख्ती से पालन किया जाएगा। और चूंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होगा, हम कार्यपालिका की हैसियत से उसका पालन करने के लिए बाध्य भी हैं, तो जो भी अगर कोई इस तरह का न्यूसेंस वैल्यू अगर होगा और न्यूसेंस करेगा तो निश्चित तौर से नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। देखिए, पुलिस के जो CRPC में जो पावर दिए गए हैं, CRPC के तहत निरोधात्मक कार्रवाई करने का पावर होता है, उस CRPC के तहत कार्रवाई की जाएगी। और पहले उनको बता भी दिया जाएगा कि ये देखिए, आप जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश हुआ है उसका सम्मान करें, और अगर फिर भी नहीं सम्मान करते हैं, नहीं मानते हैं, तो फिर तदनुसार विधि कार्रवाई की जाएगी।
केंद्र व प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ 27 जनवरी को प्रदेश के सभी तहसील मुख्यालयों पर समाजवादी पार्टी धरना प्रदर्शन करेगी। प्रदेश में महंगाई व बढ़ते अपराधों को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपने सभी जिला मुख्यालयों व तहसील मुख्यालयों पर प्रदेश के नेताओं व कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के पूर्व मंत्री सपा नेता पवन पांडे ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार सभी मोर्चे पर विफल है। महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। प्याज और टमाटर के दाम आसमान छू रहे हैं। घरेलू गैस की कीमतों पर भी भारी इजाफा हुआ है। केंद्र व प्रदेश सरकार अपने वादों पर खरी नहीं उतरी। यही नहीं, उन्होंने कहा कि फैजाबाद में भाजपा नेताओं के इशारे पर अतिक्रमण के नाम पर व्यापारियों की दुकान ढहाए जा रहे हैं। अतिक्रमण को हटाने की पूर्व नगर निगम को नोटिस देनी चाहिए, लेकिन नगर निगम ने ऐसा नहीं किया। बिना कोई सूचना के ही जेसीबी मशीन द्वारा व्यापारियों की दुकानों पर कह ढाया जा रहा है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी 27 जनवरी को सभी तहसील मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन कर राष्ट्रपति व राज्यपाल के नाम डीएम के द्वारा ज्ञापन सौंपेगी। इस अवसर पर पवन पांडे, पूर्व मंत्री ओम प्रकाश ओमी आदि मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में और फैजाबाद अयोध्या में किसान पूरी तरह से परेशान है। आलू का किसान पूरी तरह से परेशान है, उसको अपनी लागत का मूल्य नहीं मिल रहा है। गन्ना किसान परेशान है, घटतौली चरम सीमा पे है। आज किसान का खेत साढ़ और पड़वे चढ़ जा रहे हैं। किसान पूरी तरह से परेशान है, उसके पेट पे लात पड़ रही है। योगी और मोदी जी की सरकार किसानों का उत्पीड़न कर रही है। उनके बच्चों की फीस कैसे जमा होगी, उनके घर का रोजी रोटी कैसे चलेगा, आज किसान इसके लिए परेशान है, आत्महत्या कर रहा है। इसलिए हम कहना चाहते हैं, आज इन समस्याओं को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबके नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देश पर पूरे प्रदेश में सारी तहसीलों पर 27 तारीख को सुबह 10:30 बजे से धरने का आयोजन किया गया है। फैजाबाद अयोध्या विधानसभा की सदर तहसील पर विशाल धरने का आयोजन किया गया है, जिसमें हजारों हजार साथी, पार्टी के सारे साथी, नेता, कार्यकर्ता, किसान, मजदूर, नौजवान सम्मिलित होंगे और योगी और मोदी जी की जन विरोधी नीतियों को जनता के बीच में उजागर करेंगे। दूसरी तरफ आज अतिक्रमण हटाने के नाम पर फैजाबाद का प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सह पर गरीब, मजदूर और मध्यम वर्गीय लोगों की दुकानों को तोड़ रहे हैं। एक बच्ची कल उस अतिक्रमण में चोट खा गई, अतिक्रमण हटने से अस्पताल में एडमिट है। अभी तक प्रशासन और कोई नेता वहां नहीं पहुंचा भाजपा का। आज जिनकी दुकानें बंद हैं, उनकी दुकानों में भी तोड़फोड़ की जा रही है। उनका सारा माल जो है वो खराब हो जा रहा है। आज मध्यम वर्गीय व्यापारी वो भी परेशान है। न कोई नोटिस दी जा रही है, न कोई जानकारी दी जा रही है। मैं कहता हूं, अगर व्यापारी गलत है, उसने इंक्रोचमेंट किया है, तो नगर निगम, जिला प्रशासन नोटिस जारी करे, ये बताए कि आपने इतना गलत बताया बनाया है। अगर आप हमारी नोटिस के बाद नहीं हटाते तो हम कार्रवाई करेंगे। न कोई नोटिस दी जा रही है, न कोई जानकारी दी जा रही है। जिस तरह से एक गुंडाई का माहौल पैदा किया जा रहा है, भय का माहौल पैदा किया जा रहा है, भ्रष्टाचार कायम हो रहा है कि लोग जा रहे हैं और जाकर के सीधे गिरा दे रहे हैं, व्यापारियों का, मध्यम वर्गीय लोगों का उत्पीड़न कर रहे हैं। हम इसकी निंदा करते हैं और अधिकारियों से मांग करते हैं कि आप लोग बगैर नोटिस के, बगैर जानकारी के ऐसा कोई कृत्य न करें, वरना समाजवादी पार्टी के लोग आंदोलन करने के लिए विवश होंगे। हमको इस फैजाबाद की महान, गरीब और पीड़ित जनता के साथ खड़ा होना पड़ेगा और लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इसलिए हम आज आगाह कर रहे हैं प्रेस और मीडिया के माध्यम से कि जनता का उत्पीड़न न करें, जो सच हो वही करें।
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जन नायक कर्पूरी ठाकुर की 97वीं जयंती व 8वां प्रतिभा सम्मान समारोह सविता समाज कल्याण समिति द्वारा प्रेस क्लब में बड़े धूमधाम से मनाया गया व कर्पूरी साहब के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन मुख्य अतिथि व समिति के पदाधिकारियों द्वारा किया गया। आए हुए आगंतुकों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम के मुख्य आयोजक समिति के अध्यक्ष रामनाथ शर्मा एडवोकेट थे। कार्यक्रम का संचालन राजेश नंद, प्रबंधक नंद कॉन्वेंट स्कूल देवकाली ने किया। मुख्य अतिथि अवधेश नंद, संपादक भारत संदेश। विशिष्ट अतिथि बलराम मौर्य, सुरेंद्र यादव, अशोक श्रीवास्तव व पवन कुमार गौतम थे तथा प्रवक्ता जेपी शास्त्री, डॉक्टर हजारी लाल कन्नौजिया थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता उस्मान सलमानी, रामनाथ शर्मा एडवोकेट ने की। मुख्य अतिथि ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर बिहार की राजनीति के ही सिरमौर नहीं थे, बल्कि वे भारत के अधिकार वंचित समाज के मसीहा थे। धन्यवाद के प्रेस क्लब में आज किस प्रकार का चल रहा है? कर्पूरी ठाकुर की 94वीं जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पर पधारे दूर दराज से सभी लोगों का मैं वंदन, अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। कर्पूरी ठाकुर मात्र नाइयों के जो है नेता नहीं थे, बल्कि वो पिछड़ों के, शोषितों के, उपेक्षितों के मसीहा थे। और वो मात्र बिहार के नेता नहीं थे, बल्कि भारत के एक जननायक थे, जिन्होंने आजीवन संघर्ष करने का हम सबको प्रेरणा दिया है और भारत के सभी राजनेताओं को एक राजनीतिक गुरु के रूप में जो है राजनीति सिखाने का कार्य किया है। एक स्वच्छ आदर्श राजनीति क्या होती है, ईमानदारी की राजनीति क्या होती है, ये सीखना हो तो कर्पूरी ठाकुर से सीखने की आवश्यकता है, जो इस देश में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बाद अगर ईमानदारी के रूप में कोई दूसरा शख्स का नाम आता है तो कुल कर्पूरी ठाकुर का नाम आता है। ऐसे महान जननायक की जयंती मनाना हमारा राष्ट्रीय उत्तरदायित्व बन जाता है, हमारा नैतिक कर्तव्य बन जाता है और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम सब लोग यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं। उनके विचारों को, उनके व्यक्तित्व कृतित्व को अपने आप में उतारने के लिए हम लोग संकल्प लेते हैं और इसी के साथ हम लोग जो है आप सबको जो है मीडिया कर्मियों को, सुरक्षा कर्मियों को, अतिथियों को और यहाँ पर आए हुए सभी गणमान्य नागरिकों को क्या नाम है? एके नंद।